बीए पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों, आज आप लोग सामाजिक सर्वेक्षण के विषय में पढ़ेंगे। आपने सामाजिक अनुसंधान को जाना। तीन चीज़ें याद रखनी हैं अनुसंधान के संदर्भ में: नवीन तथ्यों की खोज, पुराने तथ्यों का सत्यापन और कार्यकारण संबंध की खोज और सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा और निर्माण करना। ज्ञान की वृद्धि, ज्ञान की खोज, ज्ञान की वृद्धि, ज्ञान की पुनर्परीक्षा, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। ज्ञान की खोज, ज्ञान की वृद्धि, ज्ञान की पुनर्परीक्षा, ये अनुसंधान से जुड़ा हुआ तथ्य है। सामाजिक अनुसंधान के जानने के बाद इसकी दूसरी विधि सामाजिक सर्वेक्षण, सोशल सर्वे, आप लोग उसको, उसकी अवधारणा को समझें। सामाजिक सर्वेक्षण को भी एक समाजशास्त्रीय अध्ययन पद्धति के रूप में देखा जा सकता है। हम जानते हैं कि समाज सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था है और मानव के सामाजिक संबंधों, व्यवहारों एवं घटनाओं का अध्ययन करने की एक प्रमुख विधि सामाजिक सर्वेक्षण है। सर्वेक्षण सामाजिक अनुसंधान की ही एक पद्धति है। अनुसंधान तो व्यक्ति घर बैठकर, जाकर, कहीं से भी कर सकता है, लेकिन सर्वे व्यक्ति को फील्ड वर्क, व्यक्ति को क्षेत्र में जाकर समस्याओं का अध्ययन करना है। इस पद्धति के द्वारा न केवल सामाजिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, फिर समाज सुधार के उद्देश्य को सामने रखते हुए उन समस्याओं का समाधान ढूंढने का भी प्रयत्न किया जाता है। देखिए, सामाजिक सर्वेक्षण में यदि हमें किसी तत्कालीन समस्या का समाधान तुरंत खोजना है तो हम सर्वेक्षण विधि का प्रयोग करते हैं। सर्वेक्षण विधि अनुसंधान की तरह एक अकेले नहीं की जाती, बल्कि सहकारी प्रयास के रूप में मिलजुल कर समुदाय के रूप में कई लोग मिलकर इसको कर सकते हैं। तो हम इसको जानेंगे। सामाजिक सर्वेक्षण सामाजिक समस्याओं का अध्ययन व समाधान का एक वैज्ञानिक साधन है। वैज्ञानिक क्यों? पहले ही आप लोग जान चुके हैं वैज्ञानिक विधि को, कि हम कोई भी अध्ययन या कोई भी निष्कर्ष मनमाने तरीके से नहीं निकालते, वैज्ञानिक विधि के आधार पर करते हैं। जब हम वास्तविक निरीक्षण परीक्षण करके तब निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं। इस समय जैसे आप जानते हैं कि किसी कॉलोनी को आपने चुनाव किया, आप लोग अभी थर्ड ईयर में आप एक वो भी बनाते हैं, अपना प्रैक्टिकल वर्क भी करते हैं, आप किसी सामाजिक समस्या का चुनाव करते हैं और फिर जिस इकाई को आप लोग, जिस कॉलोनी को, जिस गांव को आप चुनते हैं, उसका सर्वे के माध्यम से आप लोग तथ्यों को संकलन करते हैं और निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। यदि हम ये जानना चाहते हैं कि अभी तत्कालीन रूप से किसी भी जगह, जैसे पानी भर गया, बारिश आ रही है, तो हम ये देखने जाते हैं कि ये क्या कारण है इसका, या कहीं पर कोई घटना दुर्घटना हो गई, हम सर्वे के आधार पर निरीक्षण करके हम तुरंत उसका कुछ सुधारने की, खोजने का प्रयास बनाते हैं। तो इनके आधार पर सामाजिक सुधार की योजनाएं भी बनाई जाती हैं। किसी भी सामाजिक समस्या, जो आपका सेकंड पेपर है, चाहे वो अपराध हो, चाहे वो अनुशासनहीनता हो, चाहे वो कोई भी हो, बेरोजगारी हो, कुछ भी हो, उसके संबंध में आप इस सर्वेक्षण विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको सामाजिक समस्याओं के अध्ययन का ये तरीका, जिसमें शोधकर्ता घटना स्थल पर या क्षेत्र में जाकर प्राथमिक तथ्यों का संकलन करता है, सामाजिक सर्वेक्षण कहलाता है। सर्वेक्षण का शाब्दिक अर्थ सर्वे यहाँ पर दो शब्दों से मिला है, निरीक्षण करना, यानी जिसका अर्थ होता है ऊपर देखना या निरीक्षण करना, यानी अवलोकन करना किसी घटना का। सर्वेक्षण का तात्पर्य किसी घटना अथवा स्थिति को ऊपर से बाहर रूप से देखना या उसका निरीक्षण करना। सर्वेक्षण का शाब्दिक अर्थ ध्यानपूर्वक किसी वस्तु या घटना का निरीक्षण करना है। यदि निरीक्षण परीक्षण सामाजिक जीवन या सामाजिक घटना से संबंधित है तो हम उसको सामाजिक सर्वेक्षण कह सकते हैं। सामाजिक सर्वेक्षण निरीक्षण परीक्षण की वह वैज्ञानिक पद्धति है जो किसी सामाजिक समूह अथवा सामाजिक जीवन के किसी एक पक्ष या घटना के संबंध में वैज्ञानिक अध्ययन करने में प्रयुक्त होती है। यानी सामाजिक सर्वेक्षण का संबंध किसी सामाजिक दशा, स्थिति या परिस्थिति या समस्या से होता है जिसका हम तत्कालीन कोई सुधार खोज रहे हैं या हम
उसका निराकरण चाहते हैं। शोध में लंबा समय लगता है और इसमें हम तत्कालीन सुधार करने का प्रयत्न करते हैं। तो इस तरीके से आप लोग जानेंगे ये क्या है। अभी आपको मैंने बताया, इसको हम सहकारी प्रयास भी कहते हैं। यहाँ देखिए, डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी ने जो इसकी अवधारणा दी, एक समुदाय के संपूर्ण जीवन या उसके किसी एक पहलू जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन के संबंध में तथ्यों के बहुत कुछ व्यवस्थित व विस्तृत संकलन व विश्लेषण को ही हम सर्वेक्षण कहते हैं। एक पक्ष, हम किसी गांव विशेष में शिक्षा की स्थिति जानना चाहते हैं, स्वास्थ्य की स्थिति जानना चाहते हैं, मनोरंजन की जानना चाहते हैं, यातायात की जानना चाहते हैं, वहाँ की समस्याओं को जानना चाहते हैं, अपराध को जानना चाहते हैं, तो इन सब के संबंध में हम एक को भी ले सकते हैं और संपूर्ण जीवन पक्ष को भी हम इसके अंतर्गत ले सकते हैं। आपको मैंने बोला था कि हम साथ साथ बुक के नेम भी याद करेंगे। आपको बताया कि आप लोग जो भी परिभाषा लिख रहे हैं उसके आगे उनकी बुक का नाम एक बार लिखेंगे, दो बार लिखेंगे, तो जैसे ही आप तीन चार बार लिखेंगे तो आपको अपने आप ये याद हो जाएगा। आपको कल मैंने बताया था पी बी यंग, क्या पुस्तक का नाम बताया, साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च। पी बी यंग कहती हैं, सामाजिक सर्वेक्षण किसी प्रचलित अथवा सामाजिक व्याधिशास्त्रीय प्रकृति की दशाओं में सुधार हेतु किसी समस्या का निराकरण करना चाहते हैं, रचनात्मक कार्यक्रम बनाने के उद्देश्य से किया जाता है। मैंने कहा पहले हम जान के कि ऐसा क्यों होता है, वहाँ पानी क्यों भरता है, क्योंकि वहाँ सड़कें नहीं हैं, क्योंकि वहाँ नालियाँ नहीं हैं, इसलिए ज़रा सा पानी पूरे व्यवस्था को बिगाड़ देता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि रचनात्मक कार्यक्रम बनाने के उद्देश्य से किया जाता है। अभी आपने, मैंने बोला ना डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी, ये है फेयर चाइल्ड। सर्वेक्षण एक सहकारी प्रयास है। सहकारी प्रयास, अभी आपको मैंने बोला कि सहकारी प्रयास का क्या मतलब है, मिलजुल कर किया जाने वाला, जो जिसका प्रयोग, जिसमें वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करती है, तत्कालीन सामाजिक समस्याओं दशाओं के अध्ययन एवं समाधान हेतु, तत्कालीन सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करना और उनका समाधान खोजना। तो इनसे आप लोग जान रहे हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण क्या है, किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन के संबंध में हम तथ्यों का संकलन करते हैं, सामाजिक समस्याओं के बारे में जानकारी ली जाती है, वास्तव में सामाजिक जीवन के किसी पक्ष, विषय या समस्या के संबंध में तथ्यों का संकलन और विश्लेषण करने की एक प्रणाली है जो वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। तो आपको एक समुदाय के संपूर्ण जीवन या उसके किसी विशेष पक्ष के संबंध में वैज्ञानिक तौर पर तथ्यों के संकलन, विश्लेषण और निष्कर्षीकरण की वैज्ञानिक प्रणाली को हम सामाजिक सर्वेक्षण कहते हैं। समझ आ रहा है आपको, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में किया जाने वाला वैज्ञानिक विधि से निरीक्षण हम सर्वे के अंतर्गत लेते हैं। सामाजिक सर्वेक्षण क्या है, अनुसंधान की एक विधि है। सामाजिक सर्वेक्षण वैज्ञानिक पद्धति है जिसके अंतर्गत हम एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का चुनाव करते हैं, उसमें जो समस्याएं हैं उनका अध्ययन करने के लिए हम अपने समूह को हम बांटते हैं और उसमें जो भी स्वास्थ्य, शिक्षा आदि, पहले जो एक हम सामान्य सर्वे करते हैं जिसमें हम पूरी जनसंख्या से लेकर कितने लोग हैं, कितने मेल फीमेल हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने नौकरी करती हैं, कितने व्यवसाय करती हैं, ये सब हम एक जनरल डेटा इकट्ठा करते हैं और फिर उसके बाद में हम किसी जो उनकी मुख्य समस्या है उसका निराकरण करने के लिए हम इस सामाजिक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग करते हैं। तो जैसे आप समझ में आ रहा है अवधारणा, जैसे सामाजिक सर्वेक्षण अनुसंधान की प्रकृति भी वैज्ञानिक थी, ऐसे ही सामाजिक सर्वेक्षण की प्रकृति भी वैज्ञानिक है, क्योंकि हम इसमें भी वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं। जो भी सामाजिक घटना या समस्याओं का अध्ययन करते हैं, लोगों के जीवन की दशाओं को देखते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, उन वहाँ की घटनाओं को देखते हैं, तो उनके कार्य कारण संबंधों को हम जानना चाहते हैं और इसमें हम पूरा एक साथ न लेकर किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का चुनाव करते हैं और वो उसके अंतर्गत भी
मान लीजिए आप झालावाड़ चुन रहे हैं तो पूरा झालावाड़ नहीं है, आप इसके अंतर्गत कोई भी वार्ड, कोई भी कॉलोनी, कोई भी चीज़ ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम सामाजिक सर्वेक्षण का प्रयोग करते हैं। सामाजिक सर्वेक्षण, याद रखना है, एक सहकारी प्रयास या सहकारी प्रक्रिया है, क्योंकि सामाजिक सर्वेक्षण को बहुत सारे विद्वान ये मानते हैं कि छोटी सीमित समस्या का अध्ययन तो एक अकेला व्यक्ति भी कर सकता है। जब हम बहुत बड़े पैमाने पर करते हैं तो हमें एक टीम बनानी पड़ती है और सामूहिक रूप से समस्या का अध्ययन करते हैं, इसलिए सर्वेक्षण को एक सहकारी प्रयास भी माना जाता है।